वेलकम टू चार्ट ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में सिंपल स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करेंगे बेस्ड ऑन आरएसआई। ओके, सो नॉर्मली हम आरएसआई कीवर्ड यूज करने वाले हैं। सो ये नॉर्मल स्ट्रेटेजी है, सिर्फ आपको इम्प्लीमेंटेशन क्या आरएसआई की स्ट्रेटेजी आरएसआई कीवर्ड्स आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ही सिंपल स्ट्रेटेजी हम ट्रेडट्रोन में आज क्रिएट कर रहे हैं। सो स्ट्रेटेजी सिंपल, आपको हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी फ्यूचर बाय करेंगे। कब? जब आरएसआई 5 ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम इज ग्रेटर देन 70। ओके, और आरएसआई 14 ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम ग्रेटर देन 50। ओके, तो हम ये बाई करेंगे। और एग्जिट कब करेंगे? जब आरएसआई 5 ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम इज लेस देन 55। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है बेस्ड ऑन आरएसआई। तो हम दो आरएसआई यूज कर रहे हैं, 5 आवर्स और 14 आवर्स, क्योंकि हम 1 आवर के कैंडल पे हम ट्रेड कर रहे हैं। सो लेट्स सी द स्ट्रेटेजी इन ट्रेडट्रोन। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी क्रिएट की है। एक एंट्री कंडीशन है और एक यूनिवर्सल एक्सिट है। ओके, सो आप सैट फंड में यहाँ पे मैंने क्या किया है, बाय किया है करंट मंथ एक्सपायरी निफ्टी बैंक। ओके, सो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, बाय कौन सी करनी है, नॉर्मल करंट मंथ। ओके, एटीएम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर है, लॉट्स 1, और सिर्फ मैंने वो बाय किया। अब कंडीशन हम देखें तो कंडीशन क्या है कि ओपन पोजीशन जो है आपकी वो जीरो होनी चाहिए, मतलब कि अभी निफ्टी बैंक की पोजीशन जीरो है इस ये स्ट्रेटेजी में। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हो पोजीशन कीवर्ड में हम आरएसआई और -1 क्रिया किया है, और यहाँ पे वापस आरएसआई पे हमने सिंबल सिलेक्ट किया है 14 डेज का। ओके, सो वो 14 आवर की आरएसआई हो गई। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट नेम यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, NFO निफ्टी बैंक। तो ये निफ्टी स्पॉट का कैलकुलेट करेगा, फ्यूचर का नहीं। अगर आपने यहाँ पे कंडीशन दी करंट मंथ तो वो फ्यूचर पे कंडीशन चेक करेगा। अभी हम स्पॉट पे चेक कर रहे हैं और ट्रेड किस में ले रहे हैं, फ्यूचर में। ओके, आपको अगर फ्यूचर पे ही ट्रेड करना है, फ्यूचर पे ही चेक करना है कंडीशन, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में करंट मंथ आपसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ओके, सो अभी ये फिलहाल, और वो हम चेक करेंगे ग्रेटर देन 50। अगर स्पॉट्स का आरएसआई 1 आवर पे लास्ट 14 कैंडल का ग्रेटर देन 50 है और आरएसआई 5 आवर पे, ओके, 1 आवर कैंडल पे, मतलब कि 5 पीरियड है आरएसआई, तो 5 आवर्स हो गया, तो वो अगर ग्रेटर देन 70 है तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। ओके, सो ये सिंपल बाइंग कंडीशन है बेस्ड ऑन आरएसआई। और दूसरी है हम एग्जिट कर रहे हैं, वो एग्जिट सिंपल है क्या कि 1 आवर की कैंडल पे हम एग्जिट करें जब वो लेस देन 55 हो, तो पोजीशन में जाके आरएसआई -1, क्योंकि प्रीवियस कैंडल पे हम चेक कर रहे हैं सिंबल 1 आवर ऑल, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, इंस्ट्रूमेंट में NFO निफ्टी बैंक। ओके, और यहाँ पे हमने पोजीशन चेक किया, अगर पोजीशन है मतलब कि ऑलरेडी क्वांटिटी एक है, देन एंड देन हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, मतलब कि एग्जिट करेंगे, ठीक है। बाकी की कंडीशन है मार्केट प्राइस पे हम बाई करेंगे, वो तो सिंपल ही है, 2 मिनट के बाद एक्टिवेट होगा। आप यहाँ पे डिटेल्स एड कर सकते हो, आपको जो कैपिटल रिक्वायर है वो, और आप यहाँ पे डेट कर दो। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है, मैंने यहाँ पे इसका कुछ बैक टेस्टिंग ऐसा कुछ नहीं किया है, बट सिंपली हम ये वीडियो में हम देखेंगे कि आरएसआई बेस्ड स्ट्रेटजी अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो आपको क्या यूज कीवर्ड करना पड़ेगा, आरएसआई विथ पोजीशन कीवर्ड, क्योंकि पोजीशन पे आपको सीरीज चाहिए तो आपको पोजीशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सिंपल वीडियो था बेस्ड ऑन ट्रेडट्रोन एंड आरएसआई स्ट्रेटजी। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ अदर्स। थैंक यू।